नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत तब भी सिद्ध होती है जब किसी ने खुद की ही जान लेने की ठान ली हो। ट्रेन के नीचे आकर दो टुकड़े हो गया हो तब भी अगर ऊपर वाले को बचाना होता है तो बचा ही लेता है। यूपी का शाहजहांपुर जिले में सोमवार को ट्रेन से कटकर युवक ने कथित रूप से आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन शरीर के दो टुकड़े होने के बावजूद वह अभी जीवित है और उसका जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार ने बताया कि थाना रोजा अंतर्गत हथौड़ा गांव में रहने वाला युवक हर्षवर्धन किसी विद्यालय में टैक्सी चलाता है और उन्होंने बताया कि आज सुबह हथौड़ा स्टेडियम के पीछे रेलवे लाइन पर दिल्ली से लखनऊ जा रही एक ट्रेन से पकड़ गया। उन्होंने बताया कि इसी बीच लखनऊ की ओर से आई मालगाड़ी के ड्राइवर ने दोनों लाइनों के बीच में धड़ पड़ा देखा तो कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसी बीच पुलिस ने पहुंचकर देखा तो युवक पड़ोस में ही नहर के पानी में पड़ा था तथा कह रहा था कि हमें बचा लो साहब, हमने आत्महत्या की है। कुमार ने बताया कि युवक के नाभि के नीचे पृष्ठ भाग के पास से दो टुकड़े हो गए हैं और उसके शरीर का एक हिस्सा रेलवे लाइन से घिसट कर नहर के पानी में चला गया जिससे उसका रक्तस्राव हो गया। पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा है जहां डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद मिराज ने पीटीआई भाषा को बताया, दो हिस्सों में कटे युवक का धड़ कमर की हड्डी से 10 सेंटीमीटर नीचे से कटा है और उसका लीवर किडनी समेत सभी अंग सुरक्षित है और अब तक 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर पूजा पांडे त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन से दो हिस्सों में कटे युवक की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। यदि हालत में सुधार होता है तो फिर उसे अन्य जगह रेफर करने के बारे में सोचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी केवल इमरजेंसी मैनेज की जा रही है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।